नमस्कार, मैं अशोक व्यास हूँ और मेरा सौभाग्य है कि मैं स्वागत कर रहा हूँ एक ऐसे, अब उसको मनीषी उनको कहा जाए, वैसे तुम छोटी उम्र में हैं लेकिन चिंतक होने के साथ साथ लेखन की तरफ बढ़ के वक्तृत्व कला को लिए हुए कुलभूषण जी दुबई में रहते हैं, पर भारत उनके हृदय में भी है और उनके चिंतन में भी है, जिसको लेते हुए उन्होंने सहज अभिव्यक्ति शीर्षक से दो पुस्तकें लिखी थी और उनके बड़े प्रोत्साहित जो प्रतिक्रियाएं थी वो, और उनके आंतरिक दबाव को चलते उन्होंने सहज अभिव्यक्ति 3 नाम से भी एक पुस्तक लिखी है जिस पर हम चर्चा करेंगे और फिलहाल वो बैठे हुए हैं भारत में। तो अभी आपका स्वागत करने का समय आ गया कुलभूषण जी, बधाई के साथ स्वागत है आपका। नमस्कार। ये प्रश्न यहाँ से आ जाता है कि क्यों आपने तीसरा खंड इसका लिखा जाए ऐसा सोचा, सहज अभिव्यक्ति का? सहज अभिव्यक्ति के 10 भाग में निकालूंगा। अच्छा, ये पहले ही मैंने सोच लिया था सहज अभिव्यक्ति पार्ट 1 निकालने से पहले कि सहज अभिव्यक्ति के 10 भाग में निकालूंगा और अब ये सहज अभिव्यक्ति भाग 3 निकली है तो अभी 7 और आना बाकी है। तो ये बहुत सारी बातें होती हैं जीवन में विशेष, उनमें से आपकी ये वाली जो पुस्तक है इसकी एक विशेषता मुझे दिखाई देती है कि इसका जो इसमें आमुख कह दीजिए या वो डॉक्टर हिम्मत सिंह जी ने लिखा है, प्रीव्यू जो लिखा है, प्रीव्यू जिसे कहा जाए, हाँ, तो ये काफी बड़ी बात मानी जा सकती है क्योंकि क्योंकि को लेकर हमारे कुछ दर्शक जो अब सशरीर हमारे बीच नहीं है डॉक्टर हिम्मत जी, इनके बारे में आप कुछ बताइए फिर आपकी पुस्तक पे आते हैं। देखिए, हिम्मत सिंह सिन्हा को मैं जानता था द क्वेस्ट देखकर, और क्वेस्ट द क्वेस्ट यूट्यूब पे इनका चैनल चलता है जी, और करीब 2000 से ज्यादा इनके इनके यूट्यूब पे मतलब एपिसोड्स हैं उनके, तो करीब 150। मैं भी इंटरप्ट करूं, मैंने भी द क्वेस्ट देखा है और मुझे पता है कि वो कितनी मेधा के धनी थे और संस्कृत भाषा में निष्णात होने के साथ साथ भारतीय संस्कृति उन्होंने जैसे आत्मसात की थी किसी भी विषय पर, वो एक एनसाइक्लोपीडिया दार्शनिक दृष्टि से अगर कहा जाए तो हमारे युग में ये बड़े अद्वितीय उनका व्यक्तित्व था। तो हाँ, फिर बताएं उनके बारे में। तो ये क्या कि मतलब उनका जो ज्ञान था ना, मतलब जहां तक क्षितिज तक जहां तक हमारी नजर जाती है वो ज्ञान ही ज्ञान भरा हुआ था जी। मतलब अंडर द सन सब तरह का ज्ञान था उनके पास। और आप देखिए कि ज्ञान का भी अहंकार हो जाता है कुछ लोगों जी, को जी, लेकिन उनमें 1% भी अहंकार नहीं था, वो बहुत ही सिंपल आदमी थे, बहुत डाउन टू अर्थ आदमी थे। और ये जब क्वेस्ट जब मैं देखता था उनके उनके क्वेस्ट के करीब 150-200 मैंने एपिसोड्स देखे और उस वक्त मैं सहज अभिव्यक्ति पार्ट 3 भी लिख चुका था और वो इंग्लिश में ट्रांसलेट भी करवा रहा था मैं, तो मुझे लगा कि यार ये शख्स जो हैं ये मेरा अगर रिव्यू लिखते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो फिर कुरुक्षेत्र में मुझे पता था कि ये हिम्मत सिंह जी सिन्हा जो है वो फिलोसफी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रह चुके थे और मतलब कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से ही मेरी वाइफ ने एमएससी मैथमेटिक्स में किया, तो मैंने उनको बोला कि क्या आप किसी तरह से कोई नंबर इनका ले सकती हैं या क्या, तो फिर उन्होंने 2-3 दिन के बाद उनका नंबर लेके मुझे दिया और फिर मैंने दुबई से उनसे बात की। तो आप देखिए कि उन्होंने पूछा मुझसे कि क्या है बुक और किस तरह की किताब है, किस तरह की पुस्तक है ये, और उन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है, आप दुबई में रहते हुए अगर हिंदी का परचम लहरा रहे हैं तो मैं इसका रिव्यू जरूर लिख दूंगा, तो आप किसी भी वक्त
अपने फ्री टाइम में आ जाइए और इसकी पांडुलिपि मुझे दे दीजिए। तो करीब 15-17 दिन बाद मैं चला गया वहां पे और उनको मैंने अपनी पांडुलिपि दे दी। अब उसके बाद करीब 3 बार मैं कुरुक्षेत्र गया, डेढ़ अच्छा साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर। और अंतिम बार गया इसी वर्ष 2023 में, 27 जनवरी को। जी तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा अगर आप लिखना चाहें तो उसका रिव्यू लिखते हैं आप, और आप जो भी लिखें वो मैं उसको एज इट इज छाप दूंगा। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है, मैं अब इसका रिव्यू लिख दूंगा। तो फिर मैं 28 तारीख को। मैं 1 मिनट के लिए इंटरप्ट करता हूँ आपसे। तो जी 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 आपने जो विषय चुने हैं वो लेख के ऐसे हैं जो सीधा दर्शन शास्त्र के साथ भी जुड़ते हैं, जीवन के साथ भी जुड़ते हैं। और आप मुझे क्षमा करें, आपका दर्शन के बारे में उतना गहन अध्ययन तो नहीं है जितना कि डॉक्टर हिम्मत सिंह जी का था। तो जब हाँ आपकी पुस्तक में उन्होंने ध्यान विषय पर लेख पढ़ा, ऊर्जा विषय पर लेख पढ़े, तो कोई टिप्पणी की क्या उन्होंने आपके लेखन के बारे में जो कि आपको याद रही हो? हाँ तो लेखन के बारे में उन्होंने अपने रिव्यू में खुद लिखा है, बिल्कुल अगर आप कहें तो मैं एक एक पढ़े पढ़ के सेंटेंस पढ़ के बताता हूँ। अवश्य अवश्य। और क्या है कि ये देखिए, जी हिम्मत सिंह जी सिन्हा के खुद के शब्दों में ये जी लिखते हैं, जितने तार्किक ढंग से उन्होंने विषयों की विश्लेषणात्मक प्रस्तुति की है, उससे सिद्ध होता है कि उन पर वाग देवी की अनुकंपा है। वाह तो कहते हैं मतलब कि सरस्वती की कृपा है। उसके जी 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 बाद लिखते हैं, रचना बहुत ही ज्ञानवर्धक है, पुस्तक की भाषा इतनी सरल है कि साधारण व्यक्ति भी विषयों को समझने में थोड़ी भी कठिनाई का अनुभव नहीं करेगा। वाह और उसके बाद वो लिखते हैं, वह शब्द रचना में पारंगत हैं, जी। भाषा पर उनका पूर्ण अधिकार है, परंतु उनकी अभिव्यक्ति में कहीं भी भाषा का स्तर गिरने नहीं दिया गया है। जी। और मतलब जिस तरह का इन्होंने रिव्यू लिखा है, जिस तरह का पूर्व वाक लिखा है, जी मैंने उसको विशेष पूर्व वाक्य का नाम दिया है। मुझे लगता है ये उनका बड़ा आशीर्वाद भी आपके प्रति रहा है। इस ये वचन जो आपने पढ़ के सुना है, तो आपके और अनुभवों की तरफ जाने से पहले आप बताइए, क्या ध्यान से आप क्या समझते हैं, क्या लिखा है आपने इसमें? देखिए, ध्यान को हम आध्यात्मिक स्तर पर लेने से पहले अगर हम ये समझ लें कि आम जीवन में ध्यान का क्या मतलब होता है, जी कि जैसे हम जो बात सुनते हैं, जो जो चीज देखते हैं, जो जो चीज बोलते हैं या जिसका स्वाद चखते हैं, या अगर हम कोई गंध ले रहे हैं या स्पर्श अगर है, तो ये 5 इंद्रियां जो हैं, ये इनसे सूचनाएं अंदर जाती हैं। जी तो ये पांचों के पांचों में एकाग्रता होनी चाहिए, ये ध्यान है शुरुआती। जी कि कहते हैं कि आप अब जैसे आप अभी हम बात कर रहे हैं, तो इस वक्त हम दोनों को मानसिक रूप से यही होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं और मेरा दिमाग जालोरी गेट पे, सोस्ती गेट पे हो, तो फिर मैं समझ नहीं पाऊंगा शायद बात वो। तो ध्यान को आम जीवन में समझने के लिए एकाग्रता से सुनना चाहिए, एकाग्रता से देखना चाहिए, एकाग्रता से बोलना चाहिए, और गंध को भी एकाग्रता से सूंघना चाहिए। कोई स्पर्श हो गया तो वो आपको एकाग्रता भी चाहिए उसके लिए। और उसके बाद हम आध्यात्मिक स्तर पर आते हैं कि ध्यान जो है आध्यात्मिक स्तर पे, मतलब अब ध्यान अंदर चला गया। जब हम इन पांचों चीजों में एकाग्र हो जाते हैं, तब ध्यान भीतर उतरता है। जी। तो और जब ध्यान भीतर उतरता है, तो फिर धीरे 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 आगे
उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो ध्यान के बारे में आपने जितना ध्यान पूर्वक बताया और हमारे दर्शकों ने भी सराहा होगा कि हम सामान्यतया ध्यान लेते ही सीधा आध्यात्मिक जगत में पहुंच जाते हैं और फिर लौट भी आते हैं, क्योंकि सराहा नहीं होता है, क्योंकि हमने प्रारंभिक सीढ़ियों को देखा नहीं, समझा नहीं होता है। अब आप बताइए कि ये जो जो विषय आपने लिए हैं इसमें लेख के, जैसे प्रेम पर आप लिख रहे हैं, सत्य जी पर लिख रहे हैं, या भगवान बुद्ध पर लिख रहे हैं, या अनुभव पर लिख रहे हैं, तो ये ऐसे बोलचाल के भाव हैं या शब्द कहिए जो कि किसी को लगता है आप क्या उसमें नया कहोगे। तो आपको निश्चित रूप से लगा था कि एक ऐसी दृष्टि है जो कि आपकी अपनी एक विशेष रूप से है, जिसको कि आप सहज अभिव्यक्त करके बांटना चाहते हैं। तो अब बताइए कि समझ से आप क्या समझते हैं। हाँ, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग आलेख था मेरा, कि मैं कई बार सोचता था कि यार क्या हर आदमी समझदार है, क्या हर आदमी की बात समझ लेता है, या उसको ये कहें कि कुछ समझ लेते हैं कुछ नहीं समझते हैं, तो समझ आती कैसे है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न था। और समझदारी, मतलब अगर यूं कहे तो समझदारी क्या बला है, ये कई बार मेरे दिमाग में आता था। और उसके चलते फिर मुझे लगा, अरे अच्छा, मतलब समझदारी, ये इसको समझदारी कहते अच्छा, हैं। मैं ऐसे आपको इंटरप्ट करूं तो कई बार कोई जो इस तरह का चिंतन करते हैं ना कि ये क्या समझदारी है या नहीं, तो लोग कहते हैं जो करना है वो करते रहो, ये सोचना जो है वो नासमझी है। और कई लोग हाँ, सोचते हैं कि बिना समझे करना नासमझी है, इसलिए समझ अलग अलग मनुष्य में अलग अलग हो जाती है। तो ये अब जैसे आप हैं, आप जैसे बहुत से पढ़ने वाले होंगे, उनको ये, लेकिन हर आदमी समझदार होना चाहता है। हर आदमी दूसरे आदमी की बात को समझना चाहता है, और दूसरे आदमी की बात को जब समझ लेता है, क्योंकि हम कुदरत ने हमको दो कान दिए और एक मुंह दिया है, तो हमको समझने के लिए सुनने सुनने की शक्ति को विकास करना चाहिए, तब हम समझते हैं चीज को। अगर आप अभी अभी आप बोलें कि 10 लोग बैठे हैं मान लीजिए, तो अगर वो कोई सुने ही ना किसी की और अपनी अपनी बोले चला जाए, तो दमा चौकड़ी मच जाएगी उससे। मैंने समझ अपनी समझ को लोगों को सुनने में विकसित किया। जो सुनने का महत्व तो आप बता रहे हैं, तो उसके साथ साथ कहने का महत्व तो भी आ जाता है। उसका मतलब वाणी के प्रयोग की तरफ भी हम जाते हैं, और हाँ, वाणी उसमें शीर्षक से भी एक लेख आपकी पुस्तक में है, तो जी, उसमें हमारी जो परंपरा है दार्शनिक ढंग से जब हम देखते हैं तो वो चार तरह की वाणी होती है, और सरस्वती माता जो है वो वाग देवी है इत्यादि है। पर वाणी, आप एक बहुत सफल डीजे आरजे जो भी कहे वो रहे हैं, रेडियो पर बड़ा आपका नाम रहा है, तो वाणी के बारे में जो आप पहले समझते थे और जैसे जैसे अनुभव संसार आपका बढ़ता गया तो वाणी के बारे में जो आप बाद में समझने लगे, उसमें कुछ अंतर आया क्या आपका, जो कि इसमें लेख में सम्मिलित हुआ हो? हाँ, वो डेफिनेटली अंतर तो आया ही है, उम्र के साथ साथ अंतर तो आया ही है। अब देखिए, वाणी भी कई प्रकार की होती है, सत्य की वाणी, झूठ की वाणी, प्रेम की वाणी, मोह की वाणी, तो ये इस तरह से कई तरह की वाणी होती है। और मतलब आप देखिए, वाणी, मैं उस आर्टिकल को खोल ही लेता हूँ और उस आर्टिकल को पढ़ता हूँ, कुछ एक उसमें से। जी तो ये वाणी जो है, प्रत्येक मनुष्य जी ये 116 पे, तो 116 नंबर पे ये आ गया। तो अब देखिए, मतलब मैंने सबसे पहला सेंटेंस ही लिखा कि वाणी मनुष्य का सबसे अनमोल उपहार है।
मतलब वाणी, वाणी का तेज होता है, एक वाणी का एक तेज भी होता है, एक ओज भी होता है, और वाणी एक स्पष्ट रूप से बोली जाती है। और कभी कभी तो वाणी सीधा दिल पे असर करती है। जी और मतलब आप देखिए कि उसके बाद मैंने लिखा है कि कई लोगों की वाणी को तो सुनकर लोगों के जीवन तक बदल गए। वाणी मन के भावों को अभिव्यक्त कर देती है, मन के जो भाव हैं उनको अभिव्यक्त कर देती है। जो मन में चल रहा है केवल उसी की प्रतिध्वनि है वाणी। मन में जो चल रहा है आदमी के, बस उसी की प्रतिध्वनि है। वाणी के पारख ही उसे सुनकर ये बता देते हैं कि बोलने वाला किस स्तर का प्राणी है। उसके लिए वाणी का पारख ही होना भी बहुत जरूरी है। अब दुनिया में बहुत से लोग हैं, उनकी अलग अलग तरह की वाणी है। उस वाणी को सुन के पारख ही लोग ये बता देते हैं कि सामने वाला किस स्तर का है। और एक बात यहां और ध्यान रखने वाली है कि जो इस तरह के जानकार होते हैं वे किसी से नफरत नहीं करते। क्योंकि इस तरह के वाणी का, जानकार से इस क्योंकि तरह वाणी के का पारखी होने के लिए अपने हृदय का आयाम बहुत विस्तृत करना होता है। तो इस तरह से लेके मैंने वाणी के ऊपर लिखा। तो इसमें वाणी के साथ साथ आपने जो श्रोता है उसके तरफ से जो पात्रता है उस पर भी थोड़ा ध्यान दिया है। पर मैं पुनः, आपने जैसे कहा कि वाणी अनमोल है और जो मन में चल रहा है उसको प्रकट करती है, कई बार उलट भी होता है। कई बार लोग वाणी का प्रयोग मन की बात को छुपाने के लिए भी करते हैं। हाँ, तो अब देखें, आपको बोलना है ए और आप बोल रहे हैं बी। आपके मन में तो आपको पता है कि आप ए बोलना चाहते हैं लेकिन बोल रहे हैं बी, तो वो वाणी कैसी होगी जो बात को छुपा रही है। इसलिए मैंने कहा कि वाणी के पारखिए जान जाते हैं लोगों की वाणी को सुन के कि आदमी किस स्तर का है। अच्छा, ये जानना, ऐसे पारखी होना, ये बहुत ही दुर्लभ रहा होगा, होता जा रहा है। आपने सत्य पर भी एक लेख लिखा है, तो हाँ, सत्य जो सत्य है, सुंदर है, हाँ, सत्य सत्य सुंदर है। सुंदर। और मुझे ऐसे स्वामी विवेकानंद का वचन याद आता है कि समाज को सत्य की काट छांट अपनी आवश्यकता या अपेक्षा के अनुरूप न करके समाज को सत्य के अनुरूप ढलना चाहिए। मतलब सत्य को आदर्श मानने वाली बात हमारी परंपरा में रही है, पर सत्य सुंदर भी हो, ये अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण बात रह जाती है। आपने क्या इसके बारे में चिंतन किया है? देखिए, बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि अरे सत्य तो कड़वा होता है। तो ऐसा अगर कोई कहते हैं तो उन्हें कहने दीजिए, क्योंकि ये अहंकार की निशानी है। क्योंकि सत्य जो है वो सत्य कड़वा है, ये बात वो डर से, किस इस इसके मूल में डर है, इसके मूल में अहंकार है। क्योंकि सत्य तो कभी कड़वा हो ही नहीं सकता। सत्य तो हमेशा से इतना अमी है, इतना मीठा है कि उससे तो जिंदगी बदल जाती है। हालांकि अब यह है कि आदमी ने किसी एक तरह का स्वाद आज तक वो चखता आया है, और फिर अगर उसके बाद सत्य अगर सामने आ जाए तो उसको भले लग सकता है कि ये, तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि उसकी उसकी स्वाद ग्रंथियां ठीक हो जाएं। क्योंकि अब जो सत्य सामने आया है तो उसके जीवन में परिवर्तन होगा। अगर आप जीवन में कोई सुखद परिवर्तन लेना चाहते हैं तो उसके लिए सत्य तो सामने आना ही पड़ेगा। बिना तो सत्य के सामने आए कैसे आप उस पर मनन करेंगे और चिंतन करेंगे? देखिए, सत्य को समझने की आवश्यकता भी बढ़ जाती है। अब आप कैसे परिभाषित करेंगे सत्य को, और अलग अलग स्तर पर सत्य को अलग अलग ढंग से समझा जाता है। हम एक व्यावहारिक स्तर कह दें, एक आंतरिक रूप से या आध्यात्मिक स्तर कह दें, या एक वो सत्य है जो आपको दिखाई दे रहा है, एक वो है जो आपकी धर्म पत्नी को दिखाई दे रहा है, या
कोई भी दो पार्टीज हैं तो विपक्षी जो हैं वो सरकार की बात को कैसे देख रहे हैं, सरकार कैसे देख रही है, तो उसमें कहीं ना कहीं आप कहाँ पे खड़े हैं और आपका अभी या आप चाहते क्या हैं, उसके साथ सत्य थोड़ा अलग अलग दिखाई दे जाता है। क्या आप क्या सोचते हैं? हाँ बिल्कुल दिखाई देता है, क्योंकि विवेक एक मैंने ये भी लिखा है इसके अंदर के सत्य के साथ विवेक भी होना चाहिए। आप किसी को अगर आप सत्य बोलते हैं तो सामने वाले को शायद सुन के कड़वा भी लग सकता है, सामने वाले को शायद चोट भी पहुंच सकती है। तो इसलिए सत्य बोलें, झूठ बिल्कुल नहीं बोलें, ये तो पहली बात, लेकिन सत्य बोलें विवेक के साथ, कि विवेक के साथ सत्य बोले, वरना चुप रहें। और इस तरह से बोला गया सत्य आप देखें शाश्वत होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत का जो भाव है वो आपके भीतर, आप दुबई में जाकर बस गए हैं और वो उसी प्रकार से गहराई से रचा बसा है। और एक और जो अध्याय आपकी पुस्तक है उस पर हल्का सा स्पर्श करने का निवेदन आपसे करूं, तो अनुभव टाइटल है एक चैप्टर का, जी अनुभव घटनाओं से नहीं बनते हैं, घटनाओं के साथ आपका क्या संबंध रहा है उससे बनते हैं। ये मैं मोटा मोटी कह के, आप क्या इसमें कह रहे हैं, अनुभव अध्याय में आप क्या लिख रहे हैं? अनुभव जो है वो चलिए मैं अनुभव वाले चैप्टर को ही खोल लेता हूं, क्योंकि आप अनुभव जब जो तक है ये वो खोले हैं तब तक मैं ये भी बताऊं कि कई बार हम कहते हैं ये मनुष्य बहुत अनुभवी है, पर वो अनुभवी होने का अर्थ अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होगा, क्योंकि उन्होंने अपनी समझ का प्रयोग उस प्रकार के घटनाक्रम से जिसको हम अनुभवी बनाना कहते हैं उससे अब निकलते हुए किया होगा। जी बताएं। जैसे आपने समझ अभी यूज किया, तो अपनी समझ, तो इस हर आदमी की समझ जो है वो अनुभव लेके आती है। मैंने लिखा है कि अनुभव मनुष्य का सबसे निजी प्रत्यक्ष ज्ञान है, एकदम निजी प्रत्यक्ष ज्ञान है। इस जीवन की हर चीज का अनुभव मस्तिष्क पटल पर याद रहता है, पिछले जीवन के समस्त अनुभव मनुष्य के अंतर्मन में समाहित होते हैं। मतलब अब से पिछला जन्म, पिछले से पिछला जन्म, उससे पिछला जन्म, ये सारे के सारे जितने भी जन्म हैं इसके अनुभव मनुष्य के अंतर्मन में समाहित होते हैं। जी परंतु एक और है जो महत्वपूर्ण है, वो ये कि यदि एक ही घटना एक समुदाय में घट घट गई है तो उसका असर हर व्यक्ति पर अलग-अलग पड़ता है। सही बात है। और एक घटना अभी युद्ध की जो घटित हो रही है उसका असर पूरे विश्व पर पड़ रहा है, पर उस तरफ न जाते हुए समापन का क्षण जो है उसमें मैं आपसे पुनः जानना चाहूंगा कि पाठक आपकी सहज अभिव्यक्ति का ये जो खंड पढ़ता है तो क्या प्राप्त करे, क्या एक लेखक के रूप में आपकी अपेक्षा है? लेखक के रूप में ये सिर्फ ये तो सिर्फ सहज अभिव्यक्ति है, मेरी अभिव्यक्ति है ये। और वैसे डॉक्टर कमलेश भट्ट कमल जो हैं, दूसरे जिन्होंने इस पुस्तक का रिव्यू भी लिखा है, वो ये कहते हैं कि इसे पढ़ लेने के बाद पाठक ठीक वैसा ही नहीं रह जाता जैसा वह पढ़ने के पूर्व होता है। इससे बड़ी गहरी बात क्या हो सकती है? और तो एक आंतरिक परिवर्तन का संकेत किसी पुस्तक से मिलता है, वो पुस्तक की भी उपलब्धि है और पाठक की भी उपलब्धि है। तो आपने ये उपलब्धि का पुल जो बनाया उसके लिए आपको बधाई और मंगल कामनाएं, और हमारे साथ बातचीत के लिए आपने समय थैंक यू, थैंक निकाला उसके लिए भी आपका आभार। और यू, आपके साथ साथ हमारे धन्यवाद। सभी दर्शकों के जीवन में कल्याण प्रकट हो ऐसी कामना के साथ पुनः धन्यवाद।